तो दोस्तों जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हैं, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जिला पीलीभीत की तरफ से दोस्तों आपका कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय संविदा शिक्षक भर्ती का जो आपका कट ऑफ है और काउंसलिंग डेट है वो दोनों जारी कर दिया गया है। तो मैं आपको डिटेल से बताऊँगा, बिल्कुल आपको जो है वीडियो स्किप नहीं करना है, आपको सारी चीज़ें पहले जान लेना, क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाना है, कितना कट ऑफ किस सब्जेक्ट का गया है डिटेल में बताऊँगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये आपका 26/8/2023 को जारी किया गया, ठीक है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पात्रांक संख्या देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे देखिए 30/6/2023 के द्वारा जनपद पीलीभीत, ठीक है, में संचालित 9 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में 43 शैक्षणिक सृजेत्तर कर्मियों के रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर चयन हेतु यहाँ पर विज्ञप्ति निकाली गई थी, ठीक है। आप देखिए जो आपका कट ऑफ है वो किस हिसाब से बना है, तो देखिए हाई स्कूल का जितना परसेंट है उसका 10%, 12वीं क्लास का आपका जितना परसेंट आपका उसका 10%, स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन का जितना परसेंट है उसका 20% और आपका बीएड यानी कि प्रशिक्षण का जितना परसेंट है उसका 30%। और यहाँ पे दोस्तों भारांक में देखिए आप कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में अगर आपने पढ़ाया है तो 1 साल के लिए 2 अंक मिलेगा और इनको जोड़ के आपका कट ऑफ निकाला गया है, ठीक है। अब देखिए रिक्त पदों के सापेक्ष 10 गुना अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में उपस्थित होने हेतु आमंत्रित किया जाता है, जिसका विषयवार पदवार वर्गवार कट ऑफ निम्नलिखित दिया गया, यानी कि दोस्तों यहाँ पे एक पद के लिए 10 लोगों को काउंसलिंग के लिए यहाँ पे दोस्तों बुलाया गया, ठीक है। उसके बाद अभी फाइनल मेरिट भी बनेगी, तो पहले समझ लीजिए अगर आप इस कट ऑफ के अंतर्गत हैं तो आपको काउंसलिंग के लिए रेडी हो जाना है। देखिए यहाँ पे पद आप देख पा रहे हैं पूर्णकालिक शिक्षिका, रिक्त पदों की संख्या 5, सामाजिक विषय के लिए अनुसूचित जाति का दोस्तों 37.96, पिछड़ी जाति यानी ओबीसी का 44.04 और जनरल का दोस्तों यहाँ पे 42.20। आप यहाँ पे कट ऑफ देख पा रहे हैं कि आपका ओबीसी की कट ऑफ यहाँ पे हाई गई है यानी कि जनरल से, ठीक है। तो अगर आपका इतना कट ऑफ है तो आप अपने डॉक्यूमेंट रेडी कर लीजिए, यानी कि इतने के बराबर या इससे ऊपर है तो आप अपने डॉक्यूमेंट रेडी कर लीजिए, ठीक है। अभी डॉक्यूमेंट बताऊँगा क्या क्या रेडी करना है। पूर्णकालिक शिक्षिका में 2 पद है हिंदी के, ओबीसी का आपका दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 2 पद है जिसमें 42.87 कट ऑफ गया लास्ट, ठीक है। और अगर जिस बहन का 42.87 तक है उसको काउंसलिंग में बुलाया जाएगा, इसके ऊपर वाले भी रेडी रहेंगे, ठीक है। देखिए पूर्णकालिक शिक्षिका आपका अगला है, 5 पद है गणित के लिए। यहाँ पर अगर हम बात करें दोस्तों आपका कट ऑफ का, अनुसूचित जाति का 1 पद है 42.1, यहाँ पर 3-1, ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग का 2 पद है 46.64 और यहाँ पे जनरल का दोस्तों 42.33, ये आपका गणित का कट ऑफ हो गया। उसके बाद दोस्तों टोटल 4 पद है विज्ञान में जिसपे आपका अनुसूचित जाति का दोस्तों 1 पद है इसमें गया 41.52, यहाँ पे दोस्तों ओबीसी का गया 49.74 और जनरल का यहाँ पे दोस्तों गया है 40.34, यानी कि जनरल की कट ऑफ दोस्तों पीलीभीत में कम जा रही है, ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद बात करें आगे पूर्णकालिक शिक्षिका अंग्रेजी के लिए, अनुसूचित जाति का 1 पद है जिसमें 43.59 और ओबीसी यानी पिछड़ी जाति का 46.01 और जनरल का 2 पद है 40.13 कट ऑफ है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आगे बात करेंगे अंशकालिक शिक्षिका कंप्यूटर में आपका 7 पद है, अनुसूचित जाति का 2 पद है जिसमें 41.82 और अनुसूचित जनजाति का कोई भी यहाँ पे दोस्तों नहीं था 0 है, ओबीसी का 40.92 और यहाँ पे दोस्तों अनारक्षित में 2 पद था, कोई फॉर्म ही नहीं पड़ा तो यहाँ पे 0 दिखा गया, यानी कि दोस्तों अगर कोई फॉर्म गलती से भी कंप्यूटर में पड़ जाता जनरल का तो उसका सिलेक्शन हो जाता। आगे बात करेंगे अंशकालिक शिक्षिका 5 पद हैं जिसपे आपकी शारीरिक शिक्षा में अनुसूचित जाति के लिए 1 है 38.47, पिछड़ी जाति के लिए 2 है 42.82 और यहाँ पे दोस्तों जनरल का 2 है जिसमें 41.12 कट ऑफ गया है। शारीरिक शिक्षा के लिए अंशकालिक शिक्षिका के 5 पद है, गृहशिल्प कला क्राफ्ट के लिए अनुसूचित जाति का गया है 40.16, ठीक है, और पिछड़ी जाति का गया 38.52 और दोस्तों यहाँ पे जनरल का गया है 42.45, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अकाउंटेंट की अगर बात करें तो 1 पद है जिसमें आपका अनुसूचित जाति का 20.71 गया है, ये आपका गया है लेखाकार के लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मुख्य रसोइयाँ और ये सहायक रसोइयाँ के लिए भी दोस्तों पद हैं, तो यहाँ पर देखिए सीधा बताया गया कि इनके लिए तो दोस्तों आपका जो है आपका होने वाला है इंटरव्यू, लेकिन बाकी जितने ऊपर के पद हैं इनके लिए आपका काउंसलिंग होगी, इस पर इंटरव्यू वगैरह नहीं था, सीधा सिलेक्शन है। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ कि किस डेट में कब आपको पहुँचना है, ठीक है। तो ध्यान से आप देख लीजिए, काउंसलिंग पब्लिक साक्षात्कार स्थल मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय विकास भवन पीलीभीत, इस एड्रेस पर आपको जाना है। आपका साक्षात्कार
इन लोगों का होगा मुकरा सोइया, और काउंसलिंग आपका जितने भी टीचर अकाउंटेंट उनका होगा, ठीक है। अब देखें नीचे यहाँ पे क्या इन्होंने मेंशन किया है, समस्त शैक्षिक पद के अभ्यर्थी एवं लेखाकार के पद, पूर्णकालिक शिक्षिका, अंशकालिक शिक्षिका, लेखाकार के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग दिनांक 5/9/2023 यानी कि 5 सितंबर को समय प्रातः 11:30 बजे से विकास भवन सभागार में संपन्न होगी। क्लियर हो गया। शिक्षणेतर पद पर मुख्य रसोइया, सहायक रसोई, चौकीदार पद अभ्यर्थियों को साक्षात्कार 8/9 यानी कि 8 सितंबर को 11:30 बजे से होगा। यानी कि दोस्तों आपको इस एड्रेस पे पहुंचना है, ठीक है, पीलीभीत में, और डेट मैंने बता दिया, शिक्षक और अकाउंटेंट जितने भी ये सब पद हैं उनके लिए 5 तारीख, और बाकी चौकीदार, रसोइया, ये जितने भी इंटरव्यू वाले पद हैं उनका 8 सितंबर। अब देखिए नोट यहाँ पे क्या मेंशन किया गया है, उपर्युक्त मेरिट के अंतर्गत आहार अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वह अपने समस्त शैक्षिक अंक पत्रों, स्नातक के 3 वर्ष के अंक पत्र, प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, अनुभव प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं उसकी 2 सेट 100 प्रमाणित छाया प्रति एवं प्रस्तुत किए गए अभिलेखों के सत्यापन के संबंध में किसी भी विभाग में कार्यरत न होने के संबंध में, अथवा यदि कार्यरत हैं तो विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र व विभागीय कार्रवाई न होने तथा विवाहित होने पर 1 से अधिक पति न होने के संबंध में 1 शपथ पत्र आप सहित आयोजित काउंसलिंग साक्षात्कार के जो हमें प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें। यानी कि दोस्तों आपको एक शपथ पत्र भी बनवा लेना है, 10 रुपये के स्टाम्प में आपको शपथ पत्र बनवा लेना है कि आप कहीं जॉब नहीं करती हैं, आपका विवाह हुआ तो 1 से अधिक पति नहीं है, कोई भी आपके प्रति कार्रवाई नहीं है, न्यायालय में कोई आपका दोस्तों केस वगैरह नहीं चल रहा, इस तरह से आपका एक बनवा लीजिएगा, ठीक है। उसका देखिए काउंसलिंग साक्षात्कार में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। आवेदन पत्र में अंकित संलग्न विवरण से भिन्न किसी भी अन्य प्रकार के अभिलेख यहाँ पे मान्य नहीं होंगे। काउंसलिंग साक्षात्कार में उपस्थित न होने मात्र को आपका ये चयन नहीं माना जाएगा। काउंसलिंग साक्षात्कार में उपस्थित न होने की दशा में आपका जो चयन है वो निरस्त कर दिया, उस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। इस तरह से ये हो गया आपका, ठीक है। तो एक चीज़ आप समझ लीजिए कि देखिए जो ये शिक्षक हैं, इनका मैं एक बार और बता देता हूँ, ये जो इतने पद हैं जिनका मेरिट पे होना है, वो सभी लोग अपना सभी डॉक्यूमेंट का 2-2 फोटोकॉपी ओरिजिनल और अपनी 5 फोटो, ठीक है, रख लेंगी, और एक शपथ पत्र आपको कचहरी से अपने बनवा लेना है, जो मैंने नीचे बताया क्या क्या मेंशन करना, ठीक है। और काउंसलिंग जिस डेट में, उस डेट में आपको पहुंच जाना है। काउंसलिंग के बाद अभी फाइनल मेरिट बनेगी, ठीक है। ये जो कट ऑफ है वो एक पद में 10 लोगों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया, इसका फाइनल मेरिट अभी बनेगा। तो चलिए पीलीभीत में जिन्होंने अप्लाई किया है वो इसके लिए रेडी हो जाएं और अपना टाइम से काउंसलिंग के लिए पहुंच जाएं। कोई दिक्कत, प्रॉब्लम किसी प्रकार की, कोई क्वेरी है, अभी आपको कुछ नहीं समझ में आया, कोई डाउट है, तो आप मुझसे कमेंट करके भी पूछ सकती हैं। तो चलिए अब दोस्तों यही वीडियो को समाप्त करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि अदर जिले की जैसे ही कट ऑफ रिजल्ट या कोई भर्ती जारी हो आपको स्वतः प्राप्त हो जाए, आप मिस ना करें। अब इस वीडियो को समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत।